गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर शुरू किया गया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये चैप्टर जो आपका शुरू किया गया था तो इसमें आप लोग हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूज उपयोग यहाँ तक पहुँच गए थे। दो कंपाउंड हमने विशेष रूप से आपको पढ़ा दिया था, एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोफॉर्म। ये हो सकता है एक नंबर में प्रिपरेशन में पूछी जाए। तो देखिए, आपको इस चैप्टर में कहीं आयोडोफॉर्म रिएक्शन अगर मिलता है तो आप लोग उसको अभी रुके रहिएगा। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन देते हैं, हेलो एल्केन भी देते हैं, इसलिए हम इसको आगे जब पढ़ाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर उसको भी पूरा कर लेंगे। इसके बाद तब आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया में लिखाऊंगा, वहां पर एल्डिहाइड भी आपका आ जाएगा, एल्कोहल भी आ जाएगा और क्या कहते हैं आपका कीटोन आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, सब आ जाएंगे। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कुछ भी नाम है, तो हेलोफॉर्म के नाम से जनरली यह जाना जाता है, तो उसको हम आगे देंगे आपको। अभी फिलहाल आप लोग इतना जानते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर में आपको एल्डिहाइड कीटोन एसिड में वो टॉपिक चर्चा कर दिया जाएगा। तो इस क्रम में देखो, हेलो एल्केन एरीन की आज हम एक विशेष इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी चर्चा की जाएगी। और नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। दोनों पे, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टाइप SL1 and SL2, इनकी भी आपको मैकेनिज्म सही बतानी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग अंत तक बने रहिए, ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए, रिविजन करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डिस्कस करिए। ठीक, तो इस क्रम में सबसे पहली हेडिंग आप बनाइए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अभी हेडिंग बनाइए आप। अब इस क्रम में आपको बता दिया जाए कि 11th क्लास में आपको बताया गया था कि अटैकिंग रीजन आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक। तो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही क्या बोलते हैं आपका प्रतिस्थापन, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है, या वह रासायनिक क्रिया जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा संपन्न होती है उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक है SN1 अभिक्रिया, एक है SN2 अभिक्रिया। SN1 का मतलब होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसी को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर
यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है आपका द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। आप लोग इसको 11th क्लास में रासायनिक कार्बनिक यौगिक के मूल सिद्धांत और तकनीक उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाई मॉलिक्यूलर। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होगी? वह प्रतिस्थापन क्रिया जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा संपन्न होती है उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहली हेडिंग क्या लिखेंगे? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। एक पॉइंट बना लो, हेडिंग डालो एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नाम से स्पष्ट है एक अणु यानी कि यह ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर केवल आश्रित पदार्थ यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी, ना कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पर। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर यानी क्या रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी? सबस्ट्रेट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट यानी कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या नाम देंगे? कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि अटैकिंग रीजन यानी कि ना कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पर, उसे एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की रासायनिक क्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ठीक, लाइक एज एग्जांपल देखो, जैसे आपका ये जो यौगिक दिया है ये आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है। जब इसकी क्रिया हम KOH सॉल्यूशन से कराते हैं तो इसका KCl के रूप में अलग हो जाता है, ये देखो, और यहाँ से आपका निर्मित होता है एल्कोहल। और ये चूंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड था तो इसका नाम क्या है? टर्शियरी एल्कोहल। बात की बात है, नाम क्या पड़ता है, लेकिन ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, ये रासायनिक क्रिया आप देख रहे हैं। अब इसी की आपको क्रिया विधि पढ़नी है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपका कौन है? एल्किल हैलाइड, ना कि KOH। ठीक, तो अटैकिंग रीजन में अभिक्रिया की दर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 क्रिया में अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए अगर इसकी क्रिया विधि की बात की जाए तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप हेडिंग डालिए क्रिया विधि। हेडिंग लिखा है क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या होता है? दो स्टेप में क्रिया पूरी होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि आपका जो KOH है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको हम तोड़ लेंगे के प्लस OH माइनस में। ठीक, स्टेप सेकंड में हम लाएंगे एल्किल हैलाइड, आपका जो टर्शियरी वाला है, टर्शियरी वाला एल्किल हैलाइड आ गया। आपको मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को रिमूव कर जाएंगे और आपका CH3 सी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं और इसका नाम होता है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बन गया। जैसे ही कार्बोनियम आयन बनेगा तुरंत देखो यहाँ से OH माइनस आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये तुरंत आके यहाँ अटैक कर जाएगा। अटैक करने के बाद ये चेंज हो जाएगा इसमें टर्शियरी एल्कोहल। ठीक, ये आपका 3° एल्कोहल बन गया। ये कार्बोनियम आयन कौन सा है, 3° कार्बोनियम आयन बन गया। और ये क्या है, 3° एल्किल हैलाइड। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया की जो दर है वो एक केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, ना कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पर। इसलिए हम कहेंगे कि यह SN1 अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया, जो आपका यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसकी क्रिया विधि हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग दूसरी लिखिए, दूसरी हेडिंग लिखिए SN2, यानी कि बी पॉइंट बनाइए और इसमें लिखिए दुई अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दुई अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ लिखिएगा बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दुई अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को शॉर्ट में नाम दिया जाता है SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें डेफिनेशन आपकी क्या चलेगी, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ तथा आक्रमणकारी अभिकर्मक दोनों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, यानी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू किसके, सब्सट्रेट की सामर्थ्य और अटैकिंग रिएजेंट इसकी सामर्थ्य, दोनों पर डिपेंड करेगा, यानी कि अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू क्या, आश्रित पदार्थ और फिर क्या, आक्रमणकारी अभिकर्म। ठीक, आक्रमणकारी अभिकर्म, तो अभिक्रिया की दर दोनों पर निर्भर करती है। वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता और आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता दोनों पर निर्भर करती है, उसे द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया
SN2 अभिक्रिया कहते हैं, या द्वितीय को ध्यान दीजिए, यह रासायनिक क्रिया आपकी द्वितीय को यानी सेकेंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो यह आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता और आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पर दोनों पर निर्भर करती है, उसे द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। इस तरीके की अभिक्रियाएं सदैव द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती हैं। जैसे एग्जांपल देखो क्या होगा, जैसे क्या हो सकता है, एक एग्जांपल है CH3Cl प्लस KOH, यहां भी वही काम है, KCl को निकाल दो, आपका क्या बन गया CH3OH। ठीक, ये क्या है आपका एक डिग्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड है, और ये आपका क्या है एक डिग्री एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, हेडिंग बनाइए क्रिया विधि। यहाँ क्रिया विधि एक ही स्टेप में होती है, के ओ एच सबसे पहले टूट जाता है के प्लस ओ एच माइनस में, इतने पे जो आपका सी एच थ्री सी एल है इसके बैक साइड से OH- माइनस का अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है, ध्यान दीजिए OH नेगेटिव होता है आंशिक, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, और यही आपका Cl है, इस पर भी आंशिक नेगेटिव होता है। इस क्रिया का नाम है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट यानी कि ये क्या है संक्रमण अवस्था है। इसके बाद ये Cl अपना नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाता है, तो आपका CH3OH बन जाता है, यहाँ से Cl निकल जाता है, और जैसे Cl निकलेगा तुरंत ये K प्लस Cl माइनस को जोड़ के बदल जाएगा इसमें KCl। ठीक, तो आपकी हो गई क्रिया विधि, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये दो रिएक्शन आपके सिलेबस में है SN1 और SN2 अभिक्रिया, ये नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया। अब अगली हेडिंग बनाइए नेचर ऑफ CH2 कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति, कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CH2 कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CH2। ध्यान दीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, आपको मालूम है ये कार्बन है ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है ज्यादा है, ये बॉन्ड क्या होता है हल्का सा पोलराइज होगा, कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आंशिक नेगेटिव। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने बंध में हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉन का जो कि बंध में अवेलेबल है बंध में उपस्थित हैं उनको क्या करता है हल्का सा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके फल स्वरूप इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। एल्किल हैलाइड अत्यंत क्रियाशील यौगिक होते हैं और इनकी क्रियाशीलता का मुख्य कारण CH बंध की प्रकृति है। तो CH बंध जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है यह थोड़ा सा ध्रुवीय है,
क्योंकि आंशिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन की ओर अट्रैक्ट करने की वजह से आंशिक नेगेटिव चार्ज रखता है, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन अपने ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक, अब जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु की साइज बढ़ रही है। ठीक, इनकी साइज बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है कि इनकी CX बंध की लंबाई में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे CX कार्बन क्लोरीन के बीच, कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन, यही है मतलब CX का। इन सब की जगह पे हम X यूज करते हैं। ठीक, तो कार्बन से बनने वाले बांड जो कि हाइड्रोजन के साथ बनेंगे वो सभी क्या होते हैं, बंध, उनकी लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। जिस तरीके से साइज बड़ी होती जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन बंध भी बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दीजिए, जितने छोटे साइज के हाइड्रोजन होंगे उसमें उतना ज़्यादा प्रबल हाइड्रोजन क्या कहते हैं, प्रबल बॉन्ड जो बना हुआ है प्रबलता से जकड़ के रखेगा, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाते हैं हाइड्रोजन की साइज बड़ी होती जाती है, बड़ी होने के कारण ये ग्रुप आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ सकता है, आसानी से लीव हो सकता है। जितने जल्दी ये ग्रुप आसानी से निकल जाएगा उतना ज़्यादा क्रियाशील वो हाइड्रोएल्केन हैलाइड होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जितने ज़्यादा बड़े हाइड्रोजन ग्रुप लगे होंगे कार्बन से, उसकी लीविंग टेंडेंसी यानी कि कार्बन को छोड़ने की प्रकृति प्रवृत्ति ज़्यादा होने की वजह से आसानी से वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। और फिर क्या करता है कि कार्बन से आसानी से निकल जाने के बाद उस यौगिक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। तो ये रही बात आपकी CX बंध की प्रकृति। मैंने दो तीन बातें इसमें मेन रूप से बताई है, ध्यान दीजिए। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पोलराइज होगा, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर आंशिक नेगेटिव, कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एल्किन हैलाइड की क्रियाशीलता, एल्किन हैलाइड अत्यंत क्रियाशील यौगिक होते हैं और इनकी क्रियाशीलता का मुख्य कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध का पोलराइज होना यानी कि ध्रुवित होना है। जितने ज़्यादा बड़ी साइज का हाइड्रोजन होगा उतना आसानी से कार्बन से लीव कर जाएगा, जितने जल्दी से कार्बन से हट जाएगा उस यौगिक की क्रियाशीलता उतना फास्ट होगी। ऊपर से नीचे चलने पर वर्ग में जिस तरीके से हाइड्रोजन की साइज बड़ी होती बढ़ती जाती है, उसी तरीके से CX बंध की लंबाई भी बढ़ती जाती है। ठीक, धन्यवाद। तो आप लोग इतना रिपीट करिए, जैसा होगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात बताई जाएगी। आज आप लोग इतना पढ़ें।